स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम प्रैक्टिस स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 6F रेखीय समीकरण। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक ना, अगर वो 450 मीटर लंबी मतलब रेलगाड़ी है और एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग मानना क्या है, बोला है कि उसकी चाल ज्ञात करनी है और ये 400 मीटर है तो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। लिख लेंगे कि मालगाड़ी का, ठीक ना, मालगाड़ी का लंबाई, मालगाड़ी की लंबाई लिखिएगा, अच्छा लगेगा, लंबाई जैसे अच्छा लगे स्टेटमेंट उस तरीके से लिखते हैं। मालगाड़ी की लंबाई 450 मीटर, ठीक है ना, 450 मीटर, ठीक है ना, तथा खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, तथा यहाँ पे लिख लीजिएगा, तथा खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, तथा यहाँ पे खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, पार करने में लगा समय बराबर, लगा समय समय इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 सेकेंड, ये हो जाएगा 18 सेकेंड, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब दूसरा चीज़ दिया हुआ है, चूँकि मालगाड़ी कितनी मीटर लंबी है 18, तो उसका चाल बताना है, तो हम लोगों का यहाँ पे चाल ज्ञात करना है ना, चाल, तो यहाँ पे हो जाएगा चाल बराबर क्या होता है, देखिए लिखेंगे कि मालगाड़ी का चाल बराबर, यहाँ पे लिख देंगे मालगाड़ी का चाल बराबर चाल किसी का भी हो, चाहे मालगाड़ी हो या फिर ट्रक हो, टेम्पो हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, या फिर सवारी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, उसकी चाल हम लोग निकालेंगे तो दूरी बटे में क्या होता है हमारा समय, यही फार्मूला लगेगा, दूरी बटे में समय, ठीक है ना। अब दूरी कितनी है हमारी, जो दूरी निकल गई है 450 मीटर वो लंबाई होगी तो वही दूरी होगी, तो इसमें हम लोग रख देंगे 450, ठीक है ना, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 18, ठीक है ना, ये था मीटर में और ये था हमारा सेकंड में, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड है, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसको हम लोग कटा लेते हैं, तो जब इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर कटा लेते हैं डायरेक्टली तो 9 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 9 दुनिया 18 और 9 से कटाएंगे तो 9 से कटाएंगे 9 पच्चीस 45 जीरो हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 25, तो निकल करके आ जाएगा उसकी चाल यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन याद रखिएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 25, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25, ये कट करके 25 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया। तो जब ये मीटर पर सेकेंड आ गया तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर हो जाएगा 18/5 से गुणा कर लेंगे, याद रखिएगा कितना से गुणा कर लेते हैं 18/5 से, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि मालगाड़ी का चाल किलोमीटर में, ठीक ना, मालगाड़ी का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, घंटा में यहाँ पर हो जाएगा 25 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 25 गुणे 18 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 18/5, 5 से इसको कटा दीजिए 5 बार में कट जाएगा और 18/5 का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 90 और यही हो जाएगा किमी और प्रति घंटा, ये उसकी चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी बदलना होता है 18/5 से गुणा कर लेते हैं, 18/5 कहाँ से आया है ये ध्यान से देखिएगा, 18/5 लाने के लिए कुछ विशेष नहीं होता है, जो भी होता है यहाँ पे, जैसे कि एक घंटा में देखिए, एक घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटे में एक, देखिएगा बदलने का तरीका बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझिएगा, ये सवाल में नहीं है, सवाल का आंसर यहीं पे हो जाएगा, ये समझने लगेगा कि 18/5 आया कहाँ से, तो लिख दीजिएगा एक घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक ना, मिनट, और एक मिनट में, एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा मिनट में, ठीक ना, मिनट यहाँ पर ना रहेगा,
मिनट में कितना हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड में था तो सेकेंड को हम लोग बदल दिए, तो 60 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 60, मतलब एक घंटे में 60 गुणे 60 कर सकते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक मीटर में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक किलोमीटर में यहाँ पे आप एक किलोमीटर में लिख सकते हैं हम लोग, एक किलोमीटर में किलोमीटर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 क्या होता हमारा मीटर। तो जब मीटर में था तो इसके बट्टे में कितना कर लेंगे 1000 कर लेंगे, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और बट्टे में हो जाएगा 10। अब दो से कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 18, और यहाँ पर दो से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब निकल करके आ जाएगा आपका 18 बट्टे में 5। ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए होता है, याद रखेंगे 18 बट्टे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ये लिखते हैं 18 बट्टे में 5। ठीक है, अब आगे के सवाल आएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि क्या लगेगा। तो ये था हमारा पहला सवाल, अब आते हैं हम इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1.3 किलोमीटर दूरी खड़े मतलब कि आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़, ठीक ना, फटने की आवाज़ उसके पास 4 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। कितनी दूरी पर 1.5 किलोमीटर की दूरी है उस पे से आदर्श को गोले की फटने की आवाज़ जो है कि 4 सेकेंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में बतानी है आपको, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। पहले तो आप जो पता है उसको लिखिए, दूरी आपको पता है, दूरी लिख दिए, दूरी कितना हमारा 1.3 यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है, ये दूरी आपको पता है। फिर आपको समय पता है, समय कितना लगता है हमारा, समय लग जाता है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे समय, समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड, 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ सेकेंड। अब देखिए दो चीज़ पता चल गया, ये किलोमीटर में पता है, ये सेकेंड में पता है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम वही वाला रूल लगाएंगे, एक किमी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1000 यहाँ पर हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। तो 1.3 किमी बराबर या फिर किलोमीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 1.3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 बराबर निकल करके आ जाएगा आपका 1300 मीटर, ये हो जाएगा 1300 मीटर, ठीक है, ये आ गया इतना आपको। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये आपका दूरी पता चल गया, ये दूरी आ गया इतना मीटर, और ये समय पता चल गया आपको। अब इसका हम लोगों को क्या बताना है, इसकी चाल बतानी है। तो ध्वनि की चाल बराबर ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि की चाल बराबर कि चाल बराबर हमने बताया था दूरी बटे में क्या होता है हमारा, ध्वनि की चाल बराबर दूरी बटे में समय, तो यहाँ पे लिख देंगे दूरी बटे में समय। अब दूरी कितना है हमारा 1300, ठीक ना, मीटर, और समय कितना लग रहा है 4 सेकंड का। अब कट कर लीजिए, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा 4 3 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 10, मतलब 4 2 8 बच गया 2, मतलब 4 5 20, मतलब 325 मीटर, ठीक ना, पर सेकेंड, पर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हैं कि अतः ध्वनि की चाल बराबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः, ठीक है ना, ध्वनि की चाल बराबर, ध्वनि की चाल बराबर चाल 325, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है ना, 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दूरी को दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने की 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दौड़ने की 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी रही हो, तो उसके दौड़कर कितनी दूरी तय किया, उसको दूरी बताना है आपको, कितनी दूरी उसने दौड़ के तय किया। तो मान लेंगे कि माना, ठीक ना, माना, ठीक ना, दौड़ कर पता करना है, तो मान लेंगे कि माना व्यक्ति व्यक्ति दौड़कर, ठीक ना, दौड़कर एक्स किमी की दूरी तय किया, एक्स किमी, ठीक ना, एक्स किमी दूरी तय किया, दूरी तय किया, तय किया, ये लिख लीजिएगा तय किया। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे क्या चीज़, कि कुल दूरी 15 किलोमीटर थी, इसका मतलब टहल के कितना दूरी तय किया होगा, तो 15 में से एक्स को घटा देंगे तो पता चल जाएगा टहल के कितना दूरी तय किया होगा। तो लिखेंगे टहल कर तय किया दूरी बराबर, टहल कर तय किया दूरी बराबर, दूरी
बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा इतना केमी, ये टहल कर तय किया, ठीक ना, किलोमीटर किमी हो गया। अब दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि टहल कर, ठीक ना, जो व्यक्ति है वो टहलने में व्यक्ति की चाल, ठीक ना, टहलने में व्यक्ति की चाल और दौड़ने में व्यक्ति की चाल, तो पहले दौड़ने ही लिख लीजिए, तो दौड़ कर दौड़ने में व्यक्ति की चाल, ठीक ना, दौड़ने में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल दौड़ने में कितना है 9 किमी प्रति घंटा, तो चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब जो समय लगेगा वो क्या लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, तो समय हमें ज्ञात करना है, तो चाल लगेगा कितना हमारा 9 किलोमीटर, इसमें लिख दीजिए 9 किमी किमी प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक ना, 9 किमी प्रति घंटा उसकी चाल है, 9 किमी प्रति घंटा, यहाँ पे प्रति लगा दीजिएगा, 9 किमी प्रति घंटा हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान समझ लीजिएगा। अब ये आपकी चाल पता चल गया और ये दौड़ने की भी दूरी पता चल गया, दूरी और चाल पता है, इसका मतलब समय हम निकाल सकते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर दूरी बटे में क्या हो जाएगा हमारा चाल, समय बराबर क्या होता हमारा दूरी और बटे में क्या हो जाएगा हमारा चाल, दूरी हमारा कितना है x, ठीक ना, दौड़ने में दूरी कितना है x और चाल कितना है 9, तो ये हो जाएगा हमारा समय, ये समय लगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला फिर लिख लेंगे, टहलने में, ठीक ना, टहलने में या फिर टहलने में व्यक्ति की चाल, टहलने में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, चाल कितना हमारा 3 किमी प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आवर्स होगा, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, इतना आ गया आपका। तो यहाँ पे फिर से समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर फिर से दूरी बटे में चाल होता है, दूरी बटे में चाल, चार नहीं चाल लिखिएगा यहाँ पे आप लोग, चाल, ठीक है ना, चाल। अब दूरी हमारा कितना दिया हुआ है दूसरे में टहलने में, 15 और माइनस का एक्स और बटे में कितना हो जा रहा हमारा, 15 बटे में एक्स बटे में 3, ये हो गया, क्योंकि चाल हमारा इसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, ये भी समय है और ये भी समय है, और यहाँ पे 3 घंटे का कुल समय लगता है, ये भी समय है, मतलब ये जो समय है दोनों को जोड़ने पर जो समय आएगा वो दोनों यहाँ पे दोनों दूरी जानने पर 3 घंटा का समय लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल समय लगा बराबर, कुल समय लगा बराबर, समय लगा बराबर, लगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा यक्स बट्टे में हो जाएगा हमारा 9, ये समय भी है और ये भी समय है, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 बट्टे में 9, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 15 बट्टे में 9 कर सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक ना, 15 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स बट्टे में हो जाएगा हमारा 9 और स्कल 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, सॉरी 15 बट्टे में 3 हो जाएगा, ये गड़बड़ है, 15 बट्टे में 3 हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अभी इतना आ गया हमारा, अब इसी को सॉल्व करना है, और यहाँ पे समय जो लग रहा है ना वो 3 घंटे का लग रहा है, कुल समय यहाँ पे 3 घंटा लिया है, ऊपर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 घंटा लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, अब इसको सॉल्व करिए, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस इसमें से 3 से करेंगे 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कोष्टक में 15 और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स और बराबर का हो जाएगा हमारा 3, ये 3 बराबर में इधर मत रखिएगा क्योंकि इसके इक्वल है, तो इसलिए वाला 3 हटा दीजिए, यहीं पे 3 रखिएगा, कुल समय 3 घंटा लगा था तो 3 घंटा इधर दिखा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इतना हो गया हमारा, अब गुणा कर लेंगे 3 में 9 में 3 का गुणा करेंगे 39 कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है, हम ऊपर में थोड़ा सा कर दे रहे हैं यहाँ पे जगह लेकर के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 27 और स्कल 2, ये एक्स का गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 15 45 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3x में से 1x माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x में से 1x माइनस कर लेंगे तो 2x बचेगा और यहाँ पे घटा लेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, मतलब 27 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 45 इसकल 2 माइनस का 2x, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से अगर 7 चला गया तो कितना बचेगा हमारा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 गया बचेगा हमारा 1, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा था और ये भी इधर में भी क्या है माइनस का एक्स है, ये इससे कट जाएगा, मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 18 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, दोनों कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, मतलब एक्स किसका माने थे हम लोग, एक्स माने थे कि दौड़ कर कितना तय किया है, दौड़ कर 9 किलोमीटर तय किया, तो मतलब लिख देते हैं कि एक्स बराबर 9 किमी जो निकल करके आया वो बता सकते हैं कि उसने दौड़ कर कितना दूरी तय किया,
दौड़कर वह 9 किलोमीटर दूरी को तय किया। तो आप लिख सकते हैं कि दौड़कर उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय किया और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है, लड़की है इसका मतलब नसरीन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। 3 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने और जाने में 21 मिनट का समय लगा, ये कुल समय है, ये याद रखेंगे, ये कुल समय की बात कर रहा है, आने और जाने में कुल समय 21 मिनट लगा, मतलब आने में भी और जाने में भी, ठीक है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी x किमी है, ठीक है ना, उसकी दूरी में ज्ञात करें तो किलोमीटर में ज्ञात करेंगे, ठीक है, x किमी है। अब लिखेंगे हम लोग घर से विद्यालय आने में उसकी चाल, घर से विद्यालय जाने में उसकी चाल, ठीक है ना, विद्यालय जाने में उसकी चाल 3 किमी प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 किमी पर हावर है, ठीक है ना। तथा विद्यालय से आप लिखेंगे घर आने में उसकी चाल कितनी हो जाती है, 4 किमी प्रति घंटा। भूखी रहती होगी बेचारी, दौड़ के आ जाती होगी, थोड़ा चाल बढ़ा लेती होगी, ठीक है, 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वो आती है, ठीक है ना। अब देखिए घर से विद्यालय आन जाने में उसको लगा समय, अब देखिए याद रखिएगा, समय निकालेंगे तो घर से विद्यालय जाने में लगा समय, यहाँ पर लिखिएगा घर से विद्यालय जाने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे में चाल, ये सूत्र भूलेंगे नहीं, दूरी बट्टे में चाल, ठीक है ना, समय बराबर चाल, इस तरीके से दूरी हमारा क्या था, x किमी, जो कि माने हैं, ठीक है ना, और चाल कितना होता है जब विद्यालय जाती है, 3 किमी, ये हो जाएगा 3 किमी, ये हो जाएगा इसका समय, घंटा में लिखना है तो घंटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना, घंटे, क्योंकि किलोमीटर में है तो घंटा में ही होगा, ठीक है ना, घंटे लगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए उसको विद्यालय से घर आने में लगा समय, विद्यालय से इस तरीके से लिखिएगा, विद्यालय से, बहुत सीक्वेंस सिंपल सा है, जाने में कितना समय लग रहा है, आने में कितना समय लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, अब कुल समय आपको पता ही है, तो इसी तरीके से लिखेंगे विद्यालय से घर आने में लगा समय बराबर, यहाँ पर हो जाएगा दूरी बट्टे में कितना होता है हमारा, दूरी बट्टे में चाल, इसमें भी हो जाएगा चाल, दूरी हमारा कितना है, सेम है, x ही है, क्योंकि विद्यालय अगर जा रही है तो उतना ही दूरी जाएगी, फिर आएगी तो उतना ही दूरी आएगी, ये तो नहीं है ना कि सुबह विद्यालय कहीं और था, शाम को कहीं और से आएगी, ऐसा तो होगा नहीं, दूरी दोनों जगह का सेम रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चार, लेकिन आने जाने की रफ्तार बढ़ा घटा सकती है, 4 किमी प्रति घंटा की आती है, तो ये हो जाएगा घंटे, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा घंटे समय लगते हैं उसको, घंटे का समय लगता है, तो ये हो गया हमारा घंटे का, ये समय लग गया आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये भी समय, दोनों समय आने और जाने का समय है, और कुल समय आपका दिया हुआ है, तो लिख देंगे कुल समय लगा बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कुल समय लगा बराबर, यहाँ पे देखिए x और बट्टे में हो जाएगा 3
और प्लस यहाँ पर एक्स और बट्टे में चार, और कुल समय ऐसे कितना लग रहा है 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 21, लेकिन ये मिनट में है घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि ये भी घंटे में है दोनों, तो घंटा में बदलने के लिए 60 का हम लोग भाग दे देंगे, मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए और इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स और बट्टे में हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स और बट्टे में हो जाएगा हमारा 4। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा इस तरीके से, ये दोनों एक साथ करेंगे, ये दोनों, ये बड़ा सा तीर लगाया हूँ, इसको दोनों को इस पूरे क्वांडर में इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 बट्टे में हो जाएगा 60 इक्वल, 3 से कटा सकते थे शायद हम लोग, 3 7 21 यहीं पे कटा लीजिए, 3 7 21 3 से कटाएंगे तो 3 2 6 मतलब 7 बट्टे में हम लोग 20 कर सकते थे इसको, 7 बट्टे में यहाँ पे कर लीजिएगा 20, थोड़ा सा जगह बचेगा, ठीक है ना। 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे या तिरेक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो जाती है 12, ये हो जाएगा 12। हमने बताया था कि इक्वल रहता है तो अगर बराबर में कटने लायक होता है तो कटा देते हैं, देखिए 5 से 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 से कट जाएगा 3 बार में 4 3 12। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x, दोनों मिलाकर के 7x हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं पहले 3x और यहाँ पर हो जाएगा इनटू यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पे इक्वल, ये 3 में 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, तो 4 और 3 7 और 7 में 5 को गुणा करेंगे, 7 बजे कितना हो जाएगा हमारा 35, ठीक है ना। 7 बजे कितना हो जाएगा हमारा 35, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 21। अब ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स इजकल टू 21/35। अब कटा लेते हैं 7 से 7 3 21 7 बचे 35। अब 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 5 से 6 बार में कट जाएगा 5 6 31, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0.6 किमी आ जाएगा आपका, किमी ये दूरी है उसकी, मतलब घर से विद्यालय की दूरी वो 0.6 किलोमीटर की दूरी है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको अगर नहीं आ रहा हो तो भाग देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये चौथा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यदि वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बताना है। इसमें भी दूरी बताना है, तो पहले ये मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, इसकी दूरी मान लेंगे कि माना, यहां पे देखिएगा माना संजय के, ठीक ना, संजय के घर से कार्यालय की दूरी, ठीक ना, कार्यालय की दूरी एक्स किमी है, एक्स किमी है, ठीक ना, किमी इस तरीके से लिख लीजिएगा, एक्स किमी है इस तरीके, थोड़ा इधर ही लिखते हैं ताकि इधर सॉल्व कर सकें, नीचे थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो एक्स किमी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे संजय की चाल, मतलब कि लिख देंगे संजय की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जाने में भी लिख सकते हैं, एक कार्यालय जाने में संजय की चाल हो जाती है 10 किलोमीटर, या फिर जाने में दोनों बार तो जा ही रहा है, वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो ऐसे ही लिखते हैं कि पहले उसकी संजय की चाल, या फिर लिख सकते हैं, हाँ यही लिख सकते हैं कि संजय की चाल, यहाँ पर लिख देंगे संजय की चाल बराबर, चाल पहले कितनी थी हमारे, चाल 10 किमी प्रति घंटा थी, 10 किमी, ठीक ना, प्रति घंटा, ठीक ना, घंटा थी प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले संजय की चाल, और जाने में चूंकि ये समय, ये दूरी हमारा इतना है और समय ये इसकी चाल है, तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका समय निकल करके आएगा, तो संजय को कार्यालय जाने में लगा समय बराबर, यहाँ पर लिखेंगे संजय को कार्यालय या ऑफिस, ठीक ना, को कार्यालय लय जाने में लगा समय बराबर, जाने में लगा समय, लगा समय बराबर, यहाँ पर लिखेंगे समय, ठीक ना, समय बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी कितना था एक्स, और ये कितना लग गया हमारा बट्टे में 10, क्योंकि समय बराबर यहाँ होता है दूरी बट्टे में चाल, ये हो जाएगा हमारा समय, ये हो जाएगा घंटा में, ठीक ना, घंटे
ये हो जाएगा घंटे। अब ये हो जाएगा हमारा, फिर दोबारा जो है उसकी चाल क्या हो जा रही है कि कितने की वृद्धि हो रही है उसके चाल में, चार की, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 किलोमीटर की। उसका चाल 2 किलोमीटर बढ़ाने पर, उसकी चाल में 2 किलोमीटर बढ़ाने पर, ठीक है ना। हालांकि चाल 2 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो चाल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग कि संजय को चाल बढ़ाने पर, मतलब लिखेंगे संजय, ठीक है ना, संजय को 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं चाल वृद्धि के बाद, ठीक है ना, बढ़ाने के बाद, बाद बाद चाल बराबर चाल, ठीक ना, चाल हमारा हो जाएगा, पहले था हमारा 10, अब 2 किलोमीटर बढ़ा दिया तो उसकी चाल आ गई, अब नई वाली चाल कितना हो जाएगा, 12 किमी प्रति घंटा, किमी पर आवर्स, ठीक है ना। ये हो गया उसका चाल। अब ये चाल हो गया आपका। अब समय देखिए 6 मिनट तो देरी से पहुंचता है, लेकिन इसमें फिर से हमें दूरी वही रहेगी, दूरी तो वही है ना, दूरी में चेंजिंग नहीं है, ऑफिस जहां रहेगी वहीं रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा, फिर से लिखेंगे संजय को कार्यालय में जाने में लगा समय बराबर, इस बार समय अलग लगेगा, यहां पर हो जाएगा संजय, ठीक है ना, क्योंकि चाल बदल रहा है तो समय तो अलग लगना है। तो समय को कार्यालय, कार्यालय जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर, यहां पर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी हमारा x है और चाल हमारा इस बार 12 हो गया है किमी प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा घंटे में, इसको इतना घंटे समय लगा, ये भी घंटा समय लगा, ये भी लगा, लेकिन दोनों में कितना अंतर होता है, 6 मिनट पहले पहुंचता है, 6 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब दोनों में अंतर 12 मिनट का होता है। देखिए 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद, मतलब दोनों में अंतर कितना का होता है, 12 में। तो लिखेंगे हम लोग कि दोनों चालों से कार्यालय जाने में लगे समय का अंतर बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों दोनों, ठीक है ना, चालों में, चालों में कार्यालय जाने पर, ठीक है ना, कार्यालय, कार्यालय, ठीक है, जाने में लगे समय का अंतर, ठीक है ना, लगे समय का अंतर, समय का अंतर, अंतर कितना होता है हमारा, 12 मिनट का, 12 मिनट का, 12 मिनट, कैसे 12 मिनट, क्योंकि 6 मिनट पहले पहुंचता था, 6 मिनट बाद, इसलिए 12 मिनट आ गया, ठीक ना, मिनट रहेगा ये ना रहेगा, इधर ट रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा चीज, मिनट लगता है इसको। अब देखिए ये 12 मिनट लगता है और ये भी समय है दोनों, तो दोनों भी समय इक्वल होगा, ये और ये दोनों समय है, दोनों इक्वल होगा, दोनों का अंतर भी 12 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से अब हम लोग कर सकते हैं इसको कि तब लगा समय, मतलब कि एक्स माइनस, अगर यहाँ पर कर देंगे 10 माइनस एक्स और माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 12 बट्टे में हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि ये दोनों घंटा में, इसको भी घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम लोग भाग देंगे, समझ आ गया। अब 12 से इसको डायरेक्टली कटा सकते हैं, 12 कम 12, 12 बचे कितना हो जाएगा हमारा 60, तो जो इधर वाला साइड बन करके आ जाएगा, एक समीकरण इधर अगर हम लोग बनाते हैं तो बन करके आ जाएगा हमारा x बटे में हो जाएगा 10 माइनस, यहां पर हो जाएगा हमारा x बटे में हो जाएगा 12 बराबर, यहां पर हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा हमारा 5, ये समीकरण बन करके आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 का इसमें गुणा करेंगे, 10 का इसमें गुणा करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो हम लोगों का देखिए 12 का इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 12x, यहां पर देखिए 12x और इसका गुणा करेंगे तो माइनस, यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 10x और बट्टे में दोनों का गुणा करेंगे तो 12 दहा में 120 और इसकल टू, यहां पर हो जाएगा हमारा 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 5, अगर 5 से कटता है तो हम लोग कटा लेते हैं, तो 5 से इसको कट कर लेंगे, तो कट करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 दुना 10, 5 चौके 20, 24 हो जाएगा, 24 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल करके जो आएगा, ये दोनों में से 12 में से 10 का कितना बचेगा हमारा 2x और इक्वल में इस 24 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24। अब देखिए गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, तो जब भाग हो जाएगा इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा हमारा 24 बटे में हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू, कट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 12 किमी, क्योंकि ये जो x माने थे हम लोग, वो क्या माने थे हम लोग, x जो माने थे दूरी, मतलब कि उसके घर से कार्यालय की दूरी कितना है 12 किलोमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पांचवा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके छठे सवाल पर। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि हमीद के घर से डेविड का घर, हालांकि यहाँ पे एक 19 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा 19 किलोमीटर की दूरी है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा।
छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि हमीद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रातः वह 9 बजे एक दूसरे के घर के लिए निकलते हैं। देखिए बात समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमीद का घर है और यहाँ पे डेविड का घर है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, बात समझिएगा, दोनों के जो बीच की दूरी है ये 19 किलोमीटर की है, 19 किलोमीटर की। अब देखिए जो प्रातः 9 बजे निकलते हैं दोनों, ये भी निकलता है 9 बजे, ये भी निकलता है, ये मान लीजिए कि हमीद है और ये मान लीजिए कि डेविड है, ठीक है ना, डेविड, दोनों निकलते हैं एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हमीद की चाल 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसकी जो रफ्तार है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और जो इसकी चाल है वो इधर ही के लिए, इसकी चाल जो हो जा रही है हमारी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों को बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इससे पूछ रहा है, इसके से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए आंसर एकदम क्लियर है, ये इधर से 10 किलोमीटर आएगा, ये इधर से 9 किलोमीटर आएगा, जब 19 किलोमीटर दोनों का कवर हो जाएगा तो मिल जाएंगे, तो हामिद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, इसका आंसर तो होगा 9 किलोमीटर की दूरी पर। और कब मिलेंगे, तो 9 बज रहा है, एक घंटे बाद मिल जाएंगे, 10 बजे मिलेंगे, क्योंकि एक घंटा, क्योंकि एक घंटा ये भी चल के आएगा, एक घंटा ये भी चल के आएगा, दोनों एक घंटा चल के आएंगे तो मिल जाएंगे एक जगह पे, ठीक ना। तो दोनों एक ही घंटा में दोनों चल रहे हैं ना, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों का मतलब कि जो स्पीड होगा वो जुटेगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग। मान लेंगे कि माना हामिद की चाल, या माना हामिद का क्या चाल, मानेंगे नहीं इसमें, क्योंकि हामिद का चाल दिया हुआ है, तो लिखेंगे हामिद का चाल, हामिद की, ठीक है ना, चाल, यहाँ पर हो जाएगा चाल 9 किमी प्रति घंटा, 9 किमी प्रति घंटा। और इसमें एक और दिया हुआ है जिसका चाल लिखा हुआ है डेविड की चाल, यहाँ पर हो जाएगा डेविड की चाल, डेविड की चाल, की चाल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 किमी प्रति घंटा, 10 किमी प्रति घंटा, ये हो गया हमारा। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए लिखेंगे कि दोनों का, मतलब उन दोनों का चाल बराबर, उन दोनों का चाल, तो दोनों, दोनों की चाल, की चाल, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल हमेशा जुटती है, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी हमारे, यहां पर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस यहां पर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 19 किमी और प्रति घंटा, ठीक है ना, ये 19 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर, अब देखिए दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर यहां पर लिखेंगे, ठीक है, दोनों द्वारा लिया गया समय, दोनों कितना समय लेते हैं, तो दोनों द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, गया समय, ठीक है ना, दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर। अब देखिए दोनों कितना समय लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल, यहाँ पर दूरी बट्टे में हो जाएगा हमारा चाल, हालांकि मान लेते हैं कि दूरी हमारा इतना रहा होगा और चाल कितना रहा होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों एक दूरी पर मिलते होंगे कोई, ऐसे भी 19 किलोमीटर की दूरी है, सॉरी पता है हमें 19 किलोमीटर की दूरी, हम इसको भूल गए थे, ये 19 किलोमीटर की दूरी पता है और समय कितना लग रहा है वो हमें पता करना है, यहाँ पर समय पता करना है, सॉरी यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, हम समय ही लिख दिए थे चाल, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे चाल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। अब देखिए दूरी हमारी कितना है 19, और समय कितना लग रहा है यहाँ पे, चाल कितना है 19, दोनों का चाल 19 है, दोनों से कट जाने के बाद कितना हो जा रहा है हमारा एक घंटा, ठीक है ना, घंटे का समय लेगा, एक घंटे का समय लेगा, ये बात समझ में आ गया, एक घंटे का समय ले लेंगे दोनों, हमने बताया था कि एक घंटे का समय लगेगा, एक घंटे का समय लगा, इस तरीके से आ गया। वे दोनों एक दूसरे को, ठीक है ना, वे दोनों एक दूसरे को, अब देखिए एक दूसरे को कब मतलब कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे चला था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वे दोनों, ठीक है ना, वे दोनों, यहाँ से भी लिख सकते हैं वे दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे से, ठीक है, दूसरे से कितने बजे मिलेंगे ये बताइए, 9 बजे चला था, एक घंटा बाद मिलेंगे, मतलब कि 9 बजे चले थे प्लस एक घंटा जोड़ लेंगे, मतलब कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे, ठीक है ना, मिलेंगे, मिलेंगे। अब देखिए एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि वो 10 बजे मिलेंगे, लेकिन बोला है कि वे हामिद के घर से, मतलब कि हामिद के घर से कितनी दूरी पर, लिखा है ना हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे, तो हामिद के घर से पूछा है कितनी दूरी पर, तो देखिए हामिद की चाल निकाल लेंगे, हामिद द्वारा एक घंटे में चली गई दूरी बराबर, क्योंकि एक घंटे में ही मिल जाते हैं, तो लिखेंगे हामिद द्वारा, हामिद, सॉरी हामिद,
द्वारा एक घंटे में चला गया दूरी बराबर, एक घंटे में चली गई दूरी बराबर यहाँ पर लिख दीजिए दूरी बराबर चली गई दूरी। अब देखिए 9 किलोमीटर उसका रफ्तार था और एक घंटे में चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, बराबर क्या हो जाएगा 9 किमी पर, यहाँ पर हो जाएगा दूरी हो जाएगा 9 किमी पर, ये 9 किलोमीटर पे मिलेंगे, ठीक है ना। हामिद के घर से पूछा इसलिए वो 9 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, और कितने बजे मिलेंगे तो 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों सवालों का आंसर इसी में हो गया। अब चलते हैं हम इसके सातवें सवाल पे और देखते हैं एक सातवां सवाल है क्या। सातवां सवाल दिया हुआ है कि सरकार द्वारा अनाथालय में बच्चों को पुष्ट आहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया जाता है, यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया मतलब वितरित किया गया तो बच्चों की संख्या बतानी है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बच्चों की संख्या बतानी है। मान लेंगे कि एक मतलब कि एक्स बच्चे रहे होंगे, तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, कि कुल बच्चे की संख्या बराबर या कुल बच्चे एक्स हैं, ठीक है ना, एक्स हैं, कुल बच्चे कितने हैं हमारे एक्स हैं, एक बच्चे को दलिया दिया गया बराबर 200 ग्राम, एक बच्चे को लिखेंगे एक बच्चे को, ठीक है ना, एक बच्चे को दलिया मिला बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दलिया मिला बराबर, ठीक है ना, मिला 200 ग्राम, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, 200 ग्राम मिल रहा है, एक बच्चे को 200 मिल रहा है, और कितना ग्राम खत्म हो गया, तो वो देखिए 20 किलोग्राम खत्म हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, तो कुल खत्म हुआ मतलब कि कुल खपत बराबर या दलिया वितरित हुआ बराबर, कुल दलिया वितरित किया गया बराबर 20 केजी, ठीक है, 20 केजी वितरित किया गया। अब देखिए जो 20 केजी अगर वितरित किया गया है तो 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना, तो 20 केजी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20000, क्या हो जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है, ये ग्राम हो गया, ये इतना ग्राम हो गया। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, कुल बच्चे कितने थे हमारे एक्स, एक बच्चे को कितना मिला 200 ग्राम, तो कुल मतलब ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि एक बच्चे को मतलब कुल बच्चों को बटा बराबर दलिया बराबर कुल बच्चों को मिला दलिया कितना हो जाएगा हमारा, कुल बच्चों को बटा दलिया बराबर या कुल दलिया कुल बच्चों की संख्या जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख दिए प्रश्नानुसार, काम खत्म, ठीक ना, प्रश्नानुसार हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बच्चे थे और एक बच्चे को 200 ग्राम दलिया मिला, तो कुल मतलब कितना ना 20000 ग्राम दलिया बांटा गया, बात समझिएगा, एक बच्चे को एक्स बच्चे हैं तो एक्स बच्चों को, एक बच्चे को 200 ग्राम मिला है तो एक्स बच्चों को 200 एक्स गुणे 200 बराबर 2000, अरे 20000, तो यहाँ पे देखिए अब इसको गुणा है उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20000 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 200, और इससे इसको कटाएंगे, इससे इसको कटाएंगे और इसको इससे कटा देते हैं तो हमारा निकल करके आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 200। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 से कटेंगे 1 हो जाएगा और 1 के सामने 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 100 बच्चे, इस तरीके से आपका 100 बच्चे आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये 100 बच्चे ही आएगा, इसका आंसर 100 बच्चे दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके आठवें सवाल पर। आठवां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल में बच्चों के कुल 8 किग्रा सेब वितरित किया गया है, एक सेब का मूल्य 8 रुपये प्रति किग्रा है, फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपये प्रति किग्रा से मूल्य को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये का भुगतान राशि का समीकरण बनाना है, तो मान लेंगे कि यहाँ पर सेब लिखेंगे सेब, ठीक है ना, का वास्तविक मूल्य, ठीक है ना, वास्तविक मूल्य आपका कितना हो जाएगा, इसमें कितना दिया है m, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ m, तो इसको लिखेंगे वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक मूल्य बराबर मूल्य, ठीक है ना, m, ठीक है ना, रुपए पर केजी या फिर किग्रा, ठीक है, कि ग्राह ऐसा लिख लीजिएगा, इतना हो गया, वो वास्तविक मूल्य है, लेकिन फल विक्रेता ने क्या किया है, फल व्यापारी ने 10 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से कम कर दिया है, तो व्यापारी द्वारा कम किया गया मूल्य बराबर, यहाँ पे देखिए व्यापारी पारी द्वारा
द्वारा प्रति किग्रा, ठीक ना, प्रति किग्रा, प्रति किग्रा किग्रा मूल्य कम किया बराबर, मूल्य कम किया बराबर, कम किया बराबर ₹10, किया ₹10, ठीक ना। प्रति किग्रा मूल्य कितना कम किया, ₹10, ठीक है, इतना रुपये उसने कम किया। कुल बच्चों की संख्या हमारी कितना मान लेते हैं कि x है, यहाँ पे x मानना नहीं है, इस सवाल में दिया है। कुल बच्चों की संख्या क्या है हमारी, कुल, ठीक है ना, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हमारा दिया हुआ है कितना, x। कुल बच्चों की संख्या कितने दिया हुआ हमारा, x, ठीक है ना, x है। तो आप इस तरीके से, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मूल्य भी पता चल गया, यहाँ ₹10 कम करता वो भी पता है, बच्चों की संख्या भी पता चल गई, अब कुल भुगतान भी पता है। सेव का कुल भुगतान लिखेंगे, सेव का कुल भुगतान, ठीक है ना, कुल भुगतान, भुगतान बराबर यहाँ पर हो जाएगा ₹2000, ठीक है ना। सेव का कुल भुगतान कितना होता है, ₹2000। तो अब आपको प्रश्नानुसार लिखना होगा, प्रश्नानुसार अब देखिए जो जो चीज़ बोला है उसको लिखेंगे हम लोग। पहले वास्तविक मूल्य कितना था सेव का, ₹M, ठीक है, उसने प्रति मूल्य पे कितना कम किया, ₹10, ठीक है। अब बच्चे कितने की संख्या है, x, बच्चे कितने हैं, कुल x है, तो x गुणे इतना हो जाएगा, और x बच्चे हैं, इसका मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा, कुल भुगतान कितना आ रहा है, 2000, तो ये हो जाएगा ₹2000। और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और यही बस बताना था क्योंकि समीकरण दर्शाना है, इसका मान नहीं निकालना है, तो ये हो जाएगा समीकरण दर्शा दिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से ये 8वां सवाल हुआ ख़त्म, और ये चैप्टर का 6F भी ख़त्म हुआ, ठीक है। और या आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।